सिमरिया क्षेत्र के आप नेता प्रमोद शर्मा पर झूठ परोसने का फिर लगा आरोप। अभय मिश्रा के फार्म हाउस में बनाई गई खबर को बताया भोपाल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। रीवा जिले के बहुचर्चित सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में मची राजनीतिक उठापटक के बीच झूठ षड्यंत्र और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीते दिन सिमरिया क्षेत्र के विवेक गौतम ने पत्रकार वार्ता कर आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा पर पूर्व विधायक अभय मिश्रा के लिए काम करने का खुला आरोप लगाया था। इसके पीछे उनका तर्क यह था कि अभय मिश्रा का मकसद सिर्फ इतना है कि किसी भी तरह से वर्तमान भाजपा विधायक को बदनाम किया जा सके। बीते दिनों प्रमोद शर्मा ने भी पत्रकार वार्ता कर वर्तमान विधायक सिमरिया पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए थे और सिमरिया क्षेत्र में हुए भ्रष्टाचार की शिकायत ईओडब्ल्यू भोपाल में किए जाने की बात कही गई थी। ईओडब्ल्यू में शिकायत करने तक तो ठीक है, लेकिन खबर को लेकर फिर सवाल उठे हैं। खबर में बताया गया था कि पत्रकार भोपाल की गलियों में मिले और पत्रकार के द्वारा खबर चलाई गई। खबर बनाने के स्थान पर विवेक गौतम ने आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा को घेरा है। विवेक गौतम ने फिर दोहराया है कि अभय मिश्रा के लिए प्रमोद शर्मा काम करते हैं। उनका तर्क है कि समाचार कवरेज भोपाल बताया गया है, जबकि जिस जगह समाचार कवरेज की गई है वह थाना भोपाल नहीं, अभय मिश्रा का फार्म हाउस था। ज्ञात हो कि रीवा से चुनाव हारने के बाद अभय मिश्रा ने कांग्रेस पार्टी में रहते सिमरिया विधानसभा क्षेत्र में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाश रहे थे और कांग्रेस में रहते पार्टी की गाइडलाइन से हटकर काम करने तथा मनमानी करने के उन पर आरोप लगे थे। कांग्रेस पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे में अभय मिश्रा का सिमरिया विधानसभा क्षेत्र से नाम नहीं था। सूत्र यह भी बताते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उनको यह बता दिया था कि सर्वे में नहीं है और चुनाव नहीं जीतेंगे। इसी दौरान पूर्व विधायक अभय मिश्रा पर उनके फार्म हाउस के अतिक्रमण और पार्टनर शराब कारोबारियों के साथ धोखाधड़ी के आरोप लगे थे। लोगों का कहना है कि कांग्रेस से उन्हें टिकट नहीं मिल रही थी और उनको भाजपा में आने की यही मजबूरी थी। कांग्रेस में रहते भाजपा का विरोध किया करते थे, लेकिन अब भाजपा में शामिल हुए हैं तो आम आदमी पार्टी के नेता प्रमोद शर्मा को आगे कर वर्तमान विधायक को विवादित चेहरा बनाने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। रीवा से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बने रहे द खबरदार न्यूज के साथ। धन्यवाद। लेकिन जब होता था तो ये विवाद भी बोल रहा हूँ कि त्रिवेणी नारायण अभय मिश्रा का विरोध नहीं करते, विरोध नहीं करते थे अभय मिश्रा त्रिवेणी नारायण का। पंकज पटेल दो बार से चुनाव लड़ रहे हैं, किसी का विरोध नहीं किया, किसी वोट लेने से चले गए, कहीं हैंडपंप हो कहीं कुछ भी, कोई मामला इनका नहीं है। एक साथ सबके क्रेशर चलते हैं, एक साथ ठेकेदारी लेते हैं, एक पेटी कॉन्ट्रेक्टर लेते हैं यहाँ से लेकर सिमरिया तक की रोड और तीनों ठेकेदार तीनों नेता के साथ। साथियों आप सभी को नमस्कार, मैं विवेक गौतम। अभी दो दिन पहले मैंने प्रमोद शर्मा और अभय मिश्रा के का जो कनेक्शन है उसके संदर्भ में मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा था। तीन दिन पहले एक फेसबुक पेज पर प्रमोद शर्मा का एक बयान वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया था कि सिमरिया में भ्रष्टाचार हुए हैं। वह आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद थे, उनमें किसी भी प्रकार की 1% भी सच्चाई नहीं है। वह जो न्यूज चली, वह न्यूज में एक पत्रकार ने प्रकाशित किया था अपने चैनल में। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया था, उस पत्रकार ने यह विषय रखा था कि प्रमोद शर्मा हमको भोपाल की गलियों में मिल गए और वो यहाँ पर ईडब्ल्यूओ में शिकायत करने आए। मैंने पहले भी कहा था कि ये अभय मिश्रा की चाल है, वो अपनी सोच के मुताबिक वही ऐसा काम कर सकते हैं। मैं आपको उस वीडियो उस खबर को दिखाना चाहता हूँ। पत्रकार ने ये कहा था कि प्रमोद शर्मा हमको भोपाल में मिले, जबकि हकीकत यह है कि वह पत्रकार रीवा आए और फार्म हाउस में ही उस वीडियो को बनाया गया। तो इस प्रकार की झूठ और बेबुनियादे खबरें वर्तमान में चुनावी समय है चलाई जा रही हैं, इससे सब लोगों को जागरूक रहने की आवश्यकता है। ये पेज है, इस पेज में ये वीडियो जो चल रही है आप देखिए, ये प्रमोद शर्मा बैठे हैं, ये जो सोफा है ये सोफा अभय मिश्रा के फार्म हाउस का है। इस सोफे में जो कलर है, ये कलर और इसमें जो इसमें साइड में इसकी रील लगी हुई है,
ये सब मैंने उस समय जब अभय मिश्रा के यहाँ मैं रहता था तो मैंने इंदौर से मंगवाया था इस चीज़ को। और पीछे जो दरवाज़ा खिड़की ये पूरी तरह से 100% क्लियर है कि ये वीडियो फार्म हाउस में बनाया गया। उस पत्रकार ने भी झूठ बोला और प्रमोद शर्मा तो झूठ के बोलने के लिए बनाई है। इसलिए ये जो वीडियो था वो भोपाल में न बनकर रीवा में अभय मिश्रा के फार्म हाउस में बनाया गया था। अगर इन पत्रकारों का मोबाइल नंबर टावर लोकेशन निकाला जाए तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इससे यह प्रूफ होता है कि प्रमोद शर्मा अभय मिश्रा के लिए काम करते हैं। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज।